किसी शहर ने कहा कि इस गलों नहीं कदे इतिहास बनते केड़े राजियां दे किन्ने पूर जन्मे आने वालिया नस्लां ने पुछना है केड़ी कौम ने किन्ने मंसूर जन्मे ओ कौम गुलाम नहीं रह सकती जिस कौम नू हस के मरन दा चल पै जाए पैणा अंत नू मुल कुरबानियां दा भावे अज पै जाए भावे कल पै जाए कुरबानी कदे भी अजाई नहीं जांदी तपस्या कदे भी अजाई नहीं जांदी और असी ये कह रहे हैं कि 5000 साल तो ब्राह्मण बाद जिहड़ा आरिया दा आगमन है और 5000 साल तो जिन्हों असी वर्ण व्यवस्था वेदां दी व्यवस्था और सिमरतियां जात पात और 5000 साल दे विच कोई भी क्रांति जिहड़ी आ उह इस देश दे विच मुकम्मल क्रांति नहीं हो सकी। बुद्ध क्रांति और 1000 साल यह मुल्क प्रबुद्ध भारत रहा 1000 साल और जिस भारत ने पूरी दुनिया की अगवाई की विश्व गुरु का जिहड़ा मरातबा जिहड़ा इस भारत नूं मिलिया वह भगवान बुद्ध की देन है और बुद्ध धर्म की देन है और भगवान बुद्ध तो बाद जिहड़ा साडा 12वीं सदी तो लैके और 20वीं सदी तक यह 800 साल का यह लंबा संघर्ष है जिहड़ी अज राजनीतिक बराबरी जिहड़ी असी संविधान के रूप दे विच असी अज मान रहे हैं यह 800 साल के लंबे संघर्ष तो बाद सतगुरु नामदेव तो लैके सतगुरु रविदास महाराज कबीर साहब गुरु नानक देव जी साहबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह और महात्मा फूले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब कांची राम ये 800 साल का इतिहास है 800 साल दे जे लंबे संघर्ष दे बाद जे सानू ये राजनीतिक बराबरता मिली आ तां फिर समाजिक अते आर्थिक बराबरी दे लई किन्नियां सदियां लगणगियां किन्ने सौ साल लगणगे क्योंकि दो गल्लां दो क्रांतियां जिहड़ियां एक जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे रूप दे विच विद्यमान है और दूसरी क्रांति जिहड़ी आ उह संविधान दे रूप दे विच विद्यमान है। मैं हमेशा सोचदा कि अधूरा ज्ञान अधूरा इतिहास अधूरा सच